हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 स्टडी करेंगे और इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 6 में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखने का प्रैक्टिस किया था, वैसे यहां पर हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखने का प्रैक्टिस करना है। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स का मेजर इक्वल होता है तब वो दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। देखो, बोर्ड पर मैंने कुछ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ किए हैं, जैसे कि एंगल एल एम एन और एंगल पी क्यू आर। ये दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल है, 40 40। तो इस ऐसे दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कह सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंस का सिंबल यूज करके हम लिख सकते हैं एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। मेजर इक्वल है, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब इसी तरह से सपोज एक एंगल हमें दिया है, एंगल एबीसी, और इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन 2 में एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, उस तरह से अगर हम राउंडर का यूज करके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बी पर राउंडर रख के दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस राउंडर में लेंगे और पहले आर्क से आगे का आर्क बनाएंगे, दूसरे आर्क से उसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहां पर एक पॉइंट हमें मिलता है और उस पॉइंट को और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एंगल बाइसेक्टर मिलता है। सपोज दिस पॉइंट इज डी, देन वी कैन से दैट दिस बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एबीसी। तो एंगल बाइसेक्टर के कारण जो हमें दो एंगल्स मिलते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल एबीडी और एंगल सीबीडी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी अगर टोटल एंगल एबीसी का मेजर 60 है तो फिर ये दोनों 30 30 के बन जाते हैं, इनका मेजर इक्वल हो जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ऐसे एंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, यानी एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर भी मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट, जब दो एंगल्स का मेजर इक्वल होता है तो उन दो एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। तो यही नॉलेज यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 7 में एक ही क्वेश्चन दिया है, उसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। चार डायग्राम्स यहां पर हमें दिए हैं और उनमें से ऑब्जर्व करके हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। तो चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7 क्वेश्चन इज, सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दीज फिगर्स। तो हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं, ये चार डायग्राम्स में से ऑब्जर्वेशन करके। आंसर, पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब देखो, इक्वल मेजर वाले एंगल्स हम पहले फाइंड करेंगे। एंगल डी ओ सी अगर देखेंगे तो इसका मेजर 30 डिग्री है और एंगल एल एम एन इसका भी मेजर 30 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल है, मेजर इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का पहला मेजर पेयर हमें मिल गया, दैट इज एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन, एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम एन। नेक्स्ट सेकेंड पेयर फाइंड करेंगे। देखो, एंगल ए ओ बी का मेजर 45 डिग्री है, ए ओ बी, और आर एस टी, आर एस टी एंगल का भी मेजर 45 है, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। सो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का दूसरा पेयर, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी। नेक्स्ट, और भी हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर्स मिलेंगे। अब देखो, फर्स्ट डायग्राम में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, दिस ओबी इज द एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कौन से एंगल का एंगल बाइसेक्टर है? सो ओबी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ हमें दिखाया है। ओ से ये दो आर्क बने हैं और ये दोनों आर्क से ऊपर आर्क बना के ये ओबी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एओसी का। तो ओबी के कारण जो दो एंगल्स बने हैं, एओबी एंड ये सीओबी, ये दोनों एंगल्स भी हमें इक्वल मिल जाएंगे और एओबी का मेजर 45 डिग्री है,
तो ये नीचे वाला COB का मेजर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का और एक पेयर हमें मिल गया, AOB एंड COB, ये दोनों एंगल्स भी हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। सो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का नेक्स्ट पेयर एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COB, ये एंगल बाइसेक्टर के कारण बने हुए एंगल्स है। और भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर हमें मिलेंगे, देखो फोर्थ पेयर। अब ये COB एंगल हमें जो मिला है 45 डिग्री का, ये एंगल बाइसेक्टर के कारण, इसका मेजर 45 है और RST का भी मेजर 45 है, तो ये दो एंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, COB कॉन्ग्रुएंट टू RST। सो फोर्थ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दैट इज एंगल COB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST, RST का भी मेजर 45 है। और भी हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का एक पेयर मिल सकता है, देखो ऑब्जर्व करके डिसाइड करो कौन सा एंगल्स मिलेंगे कॉन्ग्रुएंट। एंगल AOC देखो, अब AOC का मेजर कितना होगा, AOC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर जो दो एंगल्स बने हैं AOB एंड COB, ये दोनों 45-45 के बने हैं, तो ये टोटल AOC कितना हो जाएगा, तो टोटल AOC 45+45 यानी 90 हो जाएगा, तो AOC का मेजर हमें 90 मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहां पर एंगल PQR का मेजर भी 90 दिया है, तो ये AOC एंड PQR ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मेजर 90 आ रहा है। एंड देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का और एक पेयर, दैट इज एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ये दोनों एंगल्स का मेजर 90-90 है। तो इस तरह से यहां पर हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पांच पेयर्स मिल गए और इस क्वेश्चन में हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर ही लिखने थे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 7 में इतना एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर्स लिखने का प्रैक्टिस किया और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 8 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।